हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। अगर आप सब ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही अच्छा हो, जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो, यूनिक सा उसका कॉम्बिनेशन हो कलर्स के साथ, वेरिएटेड हो, हमेशा ऐसा ही बना रहे, हम उसको इंडोर भी रख सकें, आउटडोर भी रख सकें, सर्दी गर्मी हर एक मौसम में वो एक समान ही रहे, तो आपकी जो कोशिश है वो कामयाब हुई। ये है हमारा वंडरिंग जू। देखिए, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो आप अपने प्लांट से चाहते हैं। इसको वंडरिंग जू या फिर इंच प्लांट भी कहते हैं। इंच प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसकी एक एक इंच की कटिंग लेंगे, इतनी इतनी छोटी छोटी कटिंग्स, तो उन्हें भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसलिए शायद इसको इंच प्लांट कहते हैं। और वंडरिंग जू क्योंकि इसकी पत्तियों, कलर कॉम्बिनेशन, इसके वंडरफुल कॉम्बिनेशन की वजह से शायद इसको वंडरिंग जू भी कहते हैं। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है हमारा दिखने में। देखिए कितना अच्छा इसका फोलियज कलर है, पीछे से पर्पल, आगे से ग्रीन। अब इसकी केयर में सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि इसको लाइट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, सनलाइट कितनी चाहिए। हमारा ये एक बेसिकली तो इंडोर प्लांट है, लेकिन हम इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर हम तब तक इसको रख सकते हैं जब आउटडोर में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए हमारे टेम्परेचर में, तब तक हम इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। वैसे इसको 6 से 8 घंटे की इनडायरेक्ट जो ब्राइट लाइट होती है वो इसे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम ऐसे में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर ग्रोइंग पीरियड जब इसका रहता है, जैसे कि गर्मियों में बारिश के टाइम पे इसका जो ग्रोइंग पीरियड रहता है, उस टाइम पे इसको हम इनडायरेक्ट लाइट में रखें तो इसकी काफ़ी अच्छी फास्ट ग्रोथ रहती है। तेज़ सर्दियों के टाइम पे या फिर तेज़ गर्मियों के टाइम पे, जैसे नॉर्थ इंडिया में गर्मियों का जहाँ टेम्परेचर 45 या 50 हो जाता है और सर्दियों का टेम्परेचर 10 से भी बहुत ज़्यादा कम चला जाता है, ऐसे कंडीशन में वंडरिंग जू प्लांट जो हमारा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है हमारे वंडरिंग जू के टेम्परेचर के लिए। सेकेंड, हम इसकी बात करें कि इसको वाटर रिक्वायर कितना रहता है, इसमें कितना पानी डालें, तो बहुत ज़्यादा पानी किसी ज़रूरत नहीं रहती है जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। देखिए इस तरह से इसकी मिट्टी ऊपर से 2 से 3 इंच सूख जाए। देखिए इसकी मिट्टी जब इसको टच करने से, देखिए किस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन हमारा पूरा जो प्लांट है अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अभी मैं इसमें पानी डालूँगी, तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी दें। अगर थोड़ा सा ओवर वाटर होगा तब हमारा प्लांट क्योंकि सॉफ्ट स्टेम वाला है तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इतनी मिट्टी सूखने पर ही इसमें पानी दें, चाहे मौसम कोई भी रहे। थर्ड पॉइंट आता है कि हम हमारे प्लांट के लिए सॉइल मिक्सर कैसा बनाएं। सॉइल जो मिक्सचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसी है, क्योंकि सॉइल मिक्सचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा हम उसमें पानी कितना देंगे, हमारे प्लांट को लाइट रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। बहुत ज़्यादा अगर हमने गीली नमी वाली सॉइल बना दी है तो उसके लिए हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा लाइट में रख सकते हैं, या फिर उसको पानी कम चाहिएगा। इसीलिए इसकी सॉइल का भी खास ध्यान रखना है। इसके लिए हम 30% रिवर सैंड लेंगे, 30% गार्डन सॉइल लेंगे और बाकी 40% हम इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहें तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, परलाइट या फिर वर्मिकुलाइट भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी मिट्टी और ज़्यादा अच्छी पोरस बने, इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहे। वंडरिंग जू के लिए अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको हम छोटे से छोटे गमले में या फिर यूँ कहें कि बहुत ही छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो नीचे की तरफ ही बढ़ती हैं। गमले में इसकी बहुत ही छोटी स्टेम रहती है, इस तरह से आप उसकी स्टार्टिंग 4-5 इंच के गमले से कर सकते हैं। अगर आप उसको हैंगिंग में लगाना चाहें तो 5-6 इंच की स्टार्टिंग की हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। आपका प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो आप उसको थोड़ी सी बड़ी बास्केट में या फिर बड़े गमले में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें हमारे वंडरिंग जू के लिए, तो इसको हाई ह्यूमिडिटी पसंद है। ह्यूमिडिटी जब बरसात के मौसम में हमारे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, उस टाइम वंडरिंग जू का प्लांट अपनी बेस्ट ग्रोथ पर रहता है। वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, फटाफट इसके शूट्स आते रहते हैं, हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं इस तरह से, और नए नए शूट्स इसके निकलते रहते हैं। आप ये लगा लीजिए कि जब मॉनसून के टाइम पे 1 से 1.5 महीने में अगर आप छोटी सी छोटी कटिंग भी लगाते हैं तो आपका एक पूरा गमला ईजिली उसमें से भर जाएगा, आपकी एक हैंगिंग बास्केट आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम इसको
इसका जब ग्रोइंग पीरियड रहता है गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम इसको हम एक या दो बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको सर्दियों में फर्टिलाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों का टाइम इसके लिए डोरमेंसी का टाइम रहता है। इस टाइम इस प्लांट की कुछ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी नहीं रहती है, बहुत थोड़ी ग्रोथ रहती है, उस टाइम हमें इसमें खाद देने से बचना चाहिए। वॉन्डरिंग जो प्लांट का जो है प्रोपोगेशन करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको इंच प्लांट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो एक एक इंच की इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी लगाते हैं तो ईजिली लग जाती हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट्स में इस तरह से रूट्स आई हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स आई हैं, तो वहीं रूट में से इस प्लांट को कट कर लीजिए और लगा लीजिए और हो गया आपका नया प्लांट तैयार। इस तरह से बहुत आसान है इसका प्रोपोगेशन करना। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसको पानी में लगा कर भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं तो आप इसको पानी में लगाकर बिल्कुल भी ना रखें, आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत इजीली हम इसे नए नए जो प्लांट्स हैं हमारे बना सकते हैं। अब बारी आती है कुछ स्पेशल टिप्स की कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा वॉन्टिंग जो है बहुत ही इजीली बढ़ता रहे, बुशी रहे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं या फिर जब भी हम कोई हमारा प्लांटर तैयार करते हैं वॉन्टिंग जो का, तो थोड़े टाइम के बाद जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, वो 5-6 इंच का हो जाए, उसके बाद हमें इसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। इस तरह से इसकी जो टिप्स होती हैं उनको इस तरह से तोड़ देंगे तो यहाँ पर एक की बजाय 2 टहनियाँ निकलेंगी, उसके बाद फिर पिंचिंग कर देंगे 2 से 4, उसके बाद फिर कर देंगे 4 से 8। इस तरह से हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी बुशी और घना हो जाएगा। पिंचिंग करना हमारे प्लांट के लिए, वॉन्डिंग जो के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। आप चाहें तो इस तरह से पिंचिंग की हुई जो स्टेम रहती है उसको दोबारा से उसी गमले में लगा सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा बुशी हो जाए, या फिर आप उसको कहीं और भी उसमें लगा सकते हैं। अगर हम वॉन्डरिंग जो प्लांट को ज़्यादा इंडोर रखते हैं या फिर कम ब्राइट लाइट में रखते हैं तो उसकी पत्तियों का कलर ग्रीन रहेगा। अगर हम उसको डायरेक्ट लाइट में रखते हैं तो उस तरह से हल्का सा उसका ग्रीन कलर ना रह करके शेड उसकी थोड़ी सी रेडिश हो जाएगी। इस तरह से देखिए रेडिश या पर्पल शेड हो जाएगी, थोड़ा सा वेरिएशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरह से आप उसको, इससे अच्छा है कि आप उसको इंडोर रखें लेकिन अच्छी ब्राइट लाइट में रखें, वही इस प्लांट के लिए बेस्ट रहता है, उसमें इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी आती है कि अगर हम हमारे वॉन्डरिंग जू को बहुत लंबे टाइम तक इंडोर रखते हैं या फिर इनडायरेक्ट लाइट में रखते हैं तो उसकी जो स्टेम होती है थोड़ी सी लैगी हो जाएंगी, इस तरह से लटक जाएंगी, और जो उसकी स्टेम है वो थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा ब्राइट लाइट में भी रखते हैं तो उसकी जो स्टेम होती है लैगी ना रह करके थोड़ी सी, इस तरह से देखिए थोड़ी सी हार्डी हो जाएंगी, हल्की सी, वैसे सॉफ्ट स्टेम ही रहती है इसकी, बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क रहेगा। इस तरह से आई होप कि मैंने वॉन्डरिंग जू के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी दी हैं। आपको ये वॉन्डरिंग जू की इंफॉर्मेशन मेरी कैसी लगी या फिर आपको कुछ मदद हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।